एक बार क्योंकि बड़ा कंजूस बाणियों बाणियों यो नहीं हो तो मतलब बाणियों कंजूस सा हो है। कहावत वह आकर है को ब्राह्मण होगा तो गरीब है और बाणियों होगा तो कंजूस। एक बाणियों कंजूस किसी ने कह दियो कि भाई तू गंगा जी स्नान करा अपना बोरिया बिस्तर बांध के स्टेशन पर आ गयो और बाणी की बस का कितना सामान ठाणो हो है। सामान इसलिए बांध लियो कि देखिए अपनी दुकान में तो सस्ता है बाहर जित भी खरीदूंगा महंगा पड़ेगा इसलिए सारा बांध लिया। ये बांध लिया नौकर ने साथ ले जा नहीं सकता कि दुकान कौन से बाड़क हो। स्टेशन के बाहर जो है अल्या के सामान तार दियो थे में तो अब कुली कुली करके आवाज दे। एक आया ने बोले हाँ जी सेठ जी बोलो भाई दो नंबर प्लेटफार्म पे जानो है क्या पैसा लेगा। बोले 100 रुपया लेगा। इतनो महंगो? बोले सेठ जी इतनो ही है हिसाब। एक दूसरा आया कहने लगे भाई दो नंबर प्लेटफार्म पे जानो है देखिए 50 रुपया लूंगा। लो यो बढ़िया हो गया कम में लगा पर मेरी एक शर्त है। भले वो के है कि जब 5 बज जाओगे मेरा नियम है मैं भागवत का पाठ करा करूं आधा घंटा तुम्हें मैंने बीच में रोकोगा नहीं। बोला ठीक है कोई दिक्कत को लो मेरा काय दिक्कत है भाई रो 5 बज जान तो मेरे के दिक्कत है ट्रेन तो रुकेगी ना। अब भाई कुल्ली ने जो है बैग टांग लिए चल पड़े भीतर। भगवान की सी करनी हुई 5-6 मिनट का टाइम रह रहे तो 5 में पहुंचना होगा। और जैसे वो एक नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचो उड़े 5 बज गए उन्होंने बिस्तरों घेरे लालू जी कर बैठ गए उड़े बात बात कर। 2-3 बजे तक कही सेठ जी ने कि देखे मेरी ट्रेन निकल जाएगी। मन तो पहले कही थी तेरा मेरा सो दो इस बात को। अब करते कराते वो आधो घंटों ने भागवत का पाठ किया भाई नाचाते हुए भी भागवत सुननी पड़ी बेचारे ने। बड़ा परेशान हो गया कि भाई देख जो मैंने कभी सुनी नहीं हो सुनान लाग रहे हो। चलो ठीक है टाइम पास तो हो रहे हो सुन ले भाई। जैसे आधा घंटा संपूर्ण हो स्टेशन पर गए दो नंबर पर इतना बार ट्रेन चली गई। अब ट्रेन चली गई अब दूसरी ट्रेन आनी थी 2 घंटों बाद। जब कुली ने सोची भाई 2 घंटे इंतजार तो करनी पड़ेगी क्योंकि भाई 50 रुपया ले रखे तो सेठ जी देखो ना जब तक गाड़ी नहीं पकड़ा तो कहने लगा कि सेठ जी आप भी खा लियो मैं भी खा लियो चलो 2 घंटा और बैठ कर भागवत कर लिया। सेठ जी ने मर तो मरा तो कह दी ठीक है भाई तू मानना तो है को नहीं कर ले मेरा कहीं आठ को क्यों नेपट कंजूस था कि यो चला जाएगा दूसरा होगा 100 रुपये मांगेगा। परेशान 2 घंटे कैसे भी थे पर 2 घंटे बैठ कर सेठ जी ने जो है भागवत सुनी। अब कितना घंटा हो गयो 2.5 घंटा। अब स्टेशन पर जो ट्रेन आई तो उन्हें बिठा दियो चला गयो गंगा स्नान करके आ गयो। वापसी आते सेठ जी प्रस्थान कर गयो स्वर्गलोक की तरफ। यमराज के पास गए जाते सेठ जी बुला लिया बोले हाँ आजा सेठ जी पूरी जिंदगी में कोई अच्छो काम नहीं करो एक काम करो। बोले वो के ने बोला जो 2.5 घंटा आधा घंटा एक और 2 घंटा एक तो जो भागवत सुनो ना उसका तेरा प्रतिफल है उसके टाइम के लिए तू स्वर्ग में जा सके है और नहीं तो सारा काम तो नरक में जाने को कर रहे हैं। क्यों पता क्या करोगे पहले स्वर्ग में जाएगा कि नरक में। बाणियों ने उड़े भी भाई कहते नेपट कंजूस एक एक मिनट का हिसाब रखनिया बोला 2.5 घंटा में कै दिन मिलेंगे। बोला 2.5 घंटा में 3 दिन मिलेंगे। बोले वो भी स्वरूप के ने बोला हाँ। बोले ठीक है कोई बात ना एक काम करो यमराज जी मंत्र पहले जो है सत्य आप
स्वर्ग में भेज दो, नरक में जो है बाद में देख लेंगे। अब सेठ जी 3 दिन के लिए स्वर्ग में चले गए। अब चले गए तो सेठ जी ने सोचा, ओहो अगर 2.5 घंटा में 3 दिन स्वर्ग में लिया, अब जो 3 दिन भागवत कर लूं तो कितने दिन और में लगो। तो हिसाब लगाया, वाणी तो जोड़ तोड़ को है ना, उन्हें हिसाब लगायो कि भाई 3 दिन का बताओ भाई कितना लागे को भाड़ो है, महीने का तो जुगाड़ हो गया होगा ना, कि 1 महीने 1.5 महीने का जुगाड़ हो गयो तो इस स्वर्ग में काटेंगे। अब यम के दूत आए 3 दिन पाछ से, वो देखा तो भागवत में लाग रहे, हाथ ना लगावे, क्यों भागवत करते वे कभी भी कोई भी यम दूत जो है हाथ नहीं लगा सकता ले जाने के लिए। जाकर कहो कि भगवान ने थोड़ा बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ कैसे हो भाई, अगर सेठ तो भागवत में लाग रहे हो है, बोले भागवत में लाग रहे कोई बात है कत्ते छोड़ देगा जब ले आइयो, बोला ठीक है। बोला कह दे रहे हो कि बोला 3 दिन, बोला 3 दिन लगातार, बोले हाँ लगातार बगैर कुछ खाए पिए, बोले हाँ बगैर कुछ खाए पिए। नो बोला भाई तो 1.5-2 महीने का और सौदागर हो गया भाई स्वर्ग का। ये 1.5-2 महीने पाछा फिर आई हम के दूत लालो, फिर लाग रहे भागवत में, हिसाब देखियो तो हो तो 1.5-2 महीने से लगातार भागवत में लाग रहे हो है, उल्टो सीधो सारे पढ़ दियो। तो यमराज भी कहने लगे भाई उसने उड़े पड़ा रहने दो, कोई फायदा नहीं लाने को, आवे कोई नहीं को, क्योंकि समझ में आ गई उसके कि थे जो कर्म करके गए हो उसका काटन का एक ही इलाज है, वो भगवान का भजन की तो तय चल लड़ भाई। मैं थाने बार बार कहूं जिसका प्रतिफल मिलेगा भगवान के भजन का मिलेगा, और किसी चीज का नहीं मिलना।